नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। फाइनली उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि ये जो मार्केट थी आज की, ये मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट थी ऑप्शन बायर के लिए। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बायर कि को जिस तरह की मार्केट चाहिए होती है, एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होती है, हमको बिल्कुल उस तरह की मार्केट मिली। हम देखिए यहाँ जहाँ से ओपन हुए वहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते चले गए। उसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को एक चार्ट पैटर्न मैंने बनाकर टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था और मैंने बताया था कि अब इस टाइम हम जो है यहाँ पर बिल्कुल हर्डल के आसपास हैं और वहाँ पर एक चैनल बन रहा था और चैनल के बिल्कुल अपर ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने दोनों चार्ट पैटर्न बनाकर आपको पोस्ट किए थे और वहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया था कि यहाँ से बाइंग करके रहिएगा, क्योंकि अब यहां से मार्केट में भी यहां पर मार्केट में गिरावट हो सकती है। और यहां पर हमने देखिए निफ्टी में भी हमने 150 से 200 पॉइंट से गिरावट देखी और बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखी। तो देखिए जो प्रॉपर चार्ट पैटर्न होते हैं, जो आपके लेवल बहुत अच्छे से ड्रॉ किए होते हैं, वो चार्ट पैटर्न काम जरूर करते हैं। देखिए मार्केट जो है, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, वो प्राइस को रिस्पेक्ट जरूर करती है, अपने लेवल को रिस्पेक्ट जरूर करती है। सो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने फाइनली यहाँ पर देखिए जो आज कैंडल बनाई है, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए बेयरिश कैंडल टाइप की अब लग रही है। देखिए क्यों बेयरिश लग रही है, क्योंकि देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी देखिए 35,753 के आसपास क्लोजिंग हुई है और इसका हाई अगर हम यहां पर देखें तो 36,612 है। मींस यहां से इसने जो हाई लगाया है वहां से हम 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोज हुए हैं। मींस यहां पर देखिए सेलर एक्टिव हुए हैं और यहां पर जिन्होंने यहां पर बाइंग करके रखी होगी वो सारे अब अपना माल यहां पर बेच रहे हैं। मींस कह सकते हैं कि मार्केट में मे बी एक बियरिश फेस हमको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो हाई है वो 36,612 है और जो लो लगा हुआ है 35,546 है। तो मे भी देखिए आज भी हमने जो है 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की मूव की है। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिकली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं जो चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखिएगा, जो मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये 25 तारीख का चार्ट है, 25 तारीख को देखिए अब हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक चैनल कंटिन्यू बन रहा है और चैनल बनने के बाद हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 25 तारीख को एक चैनल बना, देखिए ये चैनल को मैं पहले प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक चैनल बना और चैनल का देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हमको जो ये मिला था, मैं आप एक मिनट यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था हमको सेकंड सेशन में, मीन्स 1:15 पर। अगले दिन देखिए मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन मार्केट अगेन जो है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं अगले दिन 26 तारीख को भी मार्केट ने एक चैनल में काम करना यहाँ पर स्टार्ट करा। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक चैनल में काम हो रहा है और मैं यहाँ पर लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए हमको यहाँ पर एक चैनल मिला और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमको सेम सेकंड सेशन में ही मिला, मीन्स 1 बजे के आसपास। इस दिन देखिए हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ और अगले दिन भी देखिए हम गैप अप ओपन हुए और बिल्कुल ऊपर की तरफ चलते चले गए। अब चलिए हम आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 27 तारीख में, सॉरी बीच में तो वीकेंड था। अब यहाँ पर जो है हम 2 फरवरी की बात करेंगे। 2 फरवरी में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 फरवरी को भी यहाँ पर एक चैनल बन रहा है और चैनल को देखिए फाइनली ब्रेकआउट हमको ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुका था। कब मिला है, सेकंड सेशन में। अब देखिए ये है हमारा कल का चार्ट। कल के चार्ट में देखिए हमने जो ब्रेकआउट दिया था वो ब्रेकआउट 2 बजे के आसपास, मीन्स 1 बजे से 2 बजे के आसपास हम यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहे हैं और अगले दिन गैप अप ओपन हो रहे हैं और कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न फॉर्म हुआ। चैनल पैटर्न फॉर्म होने के बाद देखिए यहाँ पर हम जो है 2 घंटे ऊपर की तरफ रहे और अगेन यहाँ पर जो है गैप अप ओपनिंग हुई और अगेन अब हम ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर हम कितना गए, यहाँ से देखिए कल जो क्लोजिंग थी 35,300 के आसपास थी और जो आज हम ऊपर की तरफ गए हैं 36,600, मीन्स हम यहाँ से 1300 पॉइंट्स जो है हम यहाँ पर ऊपर की तरफ निकले। अब यहाँ पर भी अगर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक चैनल पैटर्न बन रहा है। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चैनल पैटर्न ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी हमको एक चैनल पैटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सॉरी मैं आप लोगों को पैटर्न जरा अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ भी देखिए यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो हमको ये जो लास्ट वाली कैंडल आपको देखेंगे तो इस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसका मतलब जैसे अगर हम देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो हिस्टोरिकल चीज़ों को रिपीट करती है। सो अगर हम ये जितने मैंने चैनल आपको बनाकर दिखाए, पिछले 4 दिनों के 5 दिनों के मैंने चैनल आपको बना के दिखाए और कंटिन्यू हम ऊपर की तरफ गए,
बट यहां पर अगर ध्यान से देखें तो इस चैनल ने अभी बिल्कुल प्रॉपर तरह ब्रेकआउट नहीं दिया है और पिछले स्विंग को अपने ब्रेक नहीं किया है। ये देखिए हमारा पिछला स्विंग है, इसको अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक अभी हम इसके ऊपर ब्रेक नहीं करके ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होते तब तक फिलहाल अभी बाइंग के लिए नहीं देखना है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को देखिए क्लियर कट बताता हूं, अगर 35,900 के ऊपर हम सस्टेन होना चालू हो गए तो अगेन हम ये हाई देखेंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमको कल के सेशन में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, किस तरह से हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले मैं ये चैनल डिलीट करूंगा और आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो चैनल पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न मैंने निफ्टी के और बैंक निफ्टी के आपको बनाकर भेजे थे, उम्मीद करता हूं कि आपने उसके थ्रू जो है उस चार्ट को देखकर आपने अच्छे अच्छे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट किए होंगे, बनाए होंगे और अच्छा प्रॉफिट आज आपने बुक किया होगा। तो चलिए फाइनली मैं यहाँ से एक लंबा ट्रेंड यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए ये हमने एक ट्रेंड लाइन ले लिया है। अब ये ट्रेंड लाइन जो है हमारे लिए बिल्कुल देखिए यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लिया है। तो ये ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए जो काम करेगा ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और फाइनली देखिए अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरा एक हमारे पास ट्रेंड लाइन ये ऊपर की तरफ से आ रहा है। मीन्स ये जो मैंने आपको आपको थोड़ी देर पहले अभी ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब एक चीज़ देखने वाली है दूसरी की, जो यहाँ पर जो आज डे लो लगा था, ये डे लो हमारे पास अब यही मेन सपोर्ट बचा हुआ है। अदरवाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस चैनल को, इस चैनल कहिए चाहे अगर ऊपर की तरफ हम ड्रॉ कर दें जो चैनल बन जाएगा, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन है। अभी अगर हम इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके हम यहाँ पर नीचे क्लोज कर देते हैं, मीन्स देखिए जैसे आज हमने ये चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक किया बट यहाँ पर जो डे लो था उसके आसपास से हम बाउंस बैक होने की कोशिश की हमने। अब फाइनली देखिए कल अगर फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, उस तीनों सिनेरियो में बड़ी अच्छी चीज़ें आपको बड़ी लॉजिकली चीजें बताऊंगा जो मैं पर्सनल ट्रेड करने वाला हूं। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं ये चैनल जो नीचे से हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूं और इसकी अब हम बात करेंगे। अब यहां से देखिए बिल्कुल यहां से अगर हम बिल्कुल 35,900 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो अगेन अब हम यही लेवल देखने वाले हैं जो आज का हाई लगा हुआ है। अब देखिए अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर मान लीजिए गैप अप कोई न्यूज़ आती है या फिर किसी भी हम डाटा एनालिसिस तो भी मैं शाम को करूँगा, उसके बेस पर भी अगर आपको कुछ इक्वायरी होगी तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। देखिए वीडियो ये लंबी जरूर हो जाएगी बट कोई बात नहीं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। 35,900 के ऊपर बाइंग के लिए जाइए, बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पर, और ये लेवल हमारा सेलिंग का जोन है। बिल्कुल क्लियर कट ध्यान से सुन लीजिए, चाहे मार्केट आपको 1 बजे मिले, चाहे 12 बजे मिले, चाहे 11 बजे मिले, ये लेवल हमारा बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग जोन है। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर कट सेल के लिए तैयार रहना है। यहां से मार्केट एक बार जरूर 200 से 300 पॉइंट्स नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी और हम बिल्कुल यहां पर फाइन यहां पर फिलहाल वाला यहां पर हम ट्रेंड लाइन पकड़ लेते हैं। तो यहां से देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग में हम यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है 35,000 के आसपास, 35,000 या 35,050 के आसपास यहां से आकर एक बार हम बाउंस बैक हो सकते हैं। मींस देखिए बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आपको बताऊं तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये 35,050 के आसपास, यहां ये हमारा बाइंग जोन है, यहां से हम बाउंस बैक होंगे, बिल्कुल होंगे 200 से 300 पॉइंट चाहे हो लेकिन होंगे जरूर एक बार यहां से बाउंस बैक। अदरवाइज अगर हम यहीं से बाउंस बैक हो गए, 35,900 का लेवल क्रॉस कर गए तो टारगेट हमारा यही होने वाला है अगेन 36,500, और ये हमारा बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग जोन है। यहां पर हमको अगर मार्केट मिलती है तो बिल्कुल क्लियर कट हम वहां पर 300 पॉइंट्स एटलीस्ट हम सेल के लिए जाएंगे यहां पर। तो ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है। अब देखिए आपको किस तरह ट्रेड करना है, बाकी चीजें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं अपने पर्सनल ट्रेड शेयर करता रहता हूं, मैंने क्या खरीदा क्या बेचा, कितने में लिया कितने में बेचा, और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी में बनता है वो मैं आपको कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूँ। मीन्स देखिए जो चीज़ें मैं करता हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनको देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। फाइनली देखिए जो SBI था वो SBI ने तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आज परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ देखिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं जो है ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, तो एक्सिस बैंक के चार्ट में हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। चार्ट में बड़ा करूंगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अभी हम एक चैनल में चल रहे हैं और बिल्कुल अपर चैनल के आसपास खड़े हैं। ये जो मैंने बताया था 750 के ऊपर की क्लोजिंग, 750 के ऊपर की अगर हमको क्लोजिंग मिलती है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अदरवाइज अगर जैसा मैंने चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट किया था वही चार्ट अब आप लोगों के बिल्कुल यहाँ पर सामने है।
तो इस चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट को ही फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर एक देखिए बिल्कुल बेयरिश कैंडल बन चुकी है। सो यहाँ पर बाइंग के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं देखना है। एक्सिस बैंक में 715 रुपये के नीचे निकलता है तो यहाँ पर हमको सेलिंग के लिए देखना है। टारगेट हमारा 695 रुपये का होगा मंडे के सेशन के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए मैंने आपको बताया था कि 350 से लेकर के 355 ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ये हमारा समझ लीजिए यहाँ से हमको निकलने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। अदरवाइज यहां पर मैंने सेलिंग के लिए आपको 335 रुपए के नीचे बताया था, 330 और 325 का टारगेट दिया था कल। तो यहां पर देखिए 330 का टारगेट तो हमारे पास आ गया। अब यहां पर जो कैंडल मिली है हमको एक कंफर्मेशन कैंडल मिल चुकी है, मींस यहां पर सेलिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहने की जरूरत है यहां पर हमको। अब इसका जो देखिए लो लगा वो 328 का लगा है, 327 के नीचे जैसे ही निकलता है हमारा टारगेट यहां पर 310 का होने वाला है। मींस हमको यहां पर मे बी 4 से 5% की मूव मंडे के सेशन में मिल सकती है, तो बंधन बैंक पर नजर बनाकर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक को देखिए मैंने बताया था कि यहां पर देखिए ये जो पैटर्न ये जो होते हैं ये पैटर्न बहुत जबरदस्त चलते हैं। अब देखिए इस पैटर्न को देखिए हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं, तो इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के अंतर्गत ये आता है। तो यहां पर जो है परसों की कैंडल ने ही इनसाइड कैंडल बना दिया था और जो कल की कैंडल थी वो भी इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाई थी, मींस मतलब यहां पर क्रॉस करके कोई क्लोजिंग नहीं दे पाई थी। और मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बताया था कि 1585, ध्यान से जाकर पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं कल का वीडियो, 1585 के ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बाइंग के लिए बताया था और 1600 और 1615 रुपये का टारगेट दिया था। और यहाँ पर देखिए जो आज एचडीएफसी बैंक का हाई लगा वो 1618 का हाई लगा, मींस हमको यहाँ पर दोनों टारगेट हमारे यहाँ पर अचीव हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है मंडे के सेशन में, 1600 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग, मीन 1600 रुपये के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट की, वो चाहे 1602 पे क्लोज करे 1603 पे करे, उस कैंडल के ऊपर आप जाकर वहाँ पर बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। तो एचडीएफसी में आपको बाइंग के लिए देखना है रेदर देन सेलिंग, सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में सेलिंग के लिए देखना है और बंधन बैंक में सेलिंग के लिए देखना है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए फाइनली मैंने आपको क्या बताया था कि ये काफी ऊपर की तरफ निकला हुआ है, एक बार इसको रिटेस्ट होने के लिए इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन पर आना जरूरी है, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो यहां पर देखिए एक बेरिश कैंडल बन चुकी है। अब मे बी यहां पर अगर ये 607 रुपए के नीचे निकलकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारा टारगेट यहां पर 595 के आसपास का होगा। तो यहां पर नजर बनाकर रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक भी जो है हमको सेलिंग के लिए ही देखना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने फाइनली देखिए यहां पर आपको मैंने बताया था कि 1080 के ऊपर हमको यहां पर ट्रेड करना है, 1080 के ऊपर निकलता है तो क्लियर कट हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। फिलहाल जो है इंडसइंड बैंक को अभी सेलिंग के लिए बिल्कुल प्रेफर मत करिए। अगेन मैं आपको वही बता रहा हूं कि 1000 अब यहां पर जो लेवल आ चुका है 1085, सॉरी मैंने 1085 के ऊपर बताया था आपको, 1085 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, मीन्स मान लीजिए उसकी क्लोजिंग 1087 पे हो 1090 पे हो, उस कैंडल के ऊपर आपको जो है बाइंग का ट्रेड बनाना है इंडसइंड बैंक में। तो इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक इन दोनों में बाइंग के लिए आपको प्रेफर करना है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा कोटक बैंक। देखिए मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले वीडियो में एक बात बताई थी, मैंने ये बताया था देखिए सारे बैंक जो है अच्छे अच्छे मतलब जो है मतलब किसी ने 5% मूव करी थी, किसी ने 7% करी थी, इंडसइंड बैंक ने 10% करी थी। तो मैंने बताया था देखिए सभी बैंकों में मूव हो चुकी है और कोटक बैंक में अभी मूव बाकी है। सो कोटक बैंक में हमको बाइंग के लिए देखना है और टारगेट हमको आने वाले 1 या 2 दिनों में मिलेगा, मैंने ऐसा आपको बताया था, जाके पुरानी वीडियो देखिएगा। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि देखिए जो रिस्की ट्रेडर है वो 1885 के ऊपर बाय कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर आप 1900 के ऊपर एंट्री बनाइए। और फाइनली यहां पर देखिए टारगेट मैंने जो बताया था वो 1950 और 2000 का बताया था। यहां पर देखिए जो हाई लगा है वो 1998 रुपये 50 पैसे, मीन्स ऑलमोस्ट 2000 का हमको यहाँ पर अपना टारगेट मिल चुका है। मीन्स यहाँ पर जिसने भी पोजीशन बनाई होगी उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि टारगेट आपने बुक कर लिया होगा, अच्छे पैसे यहाँ पर बनाए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, चार्ट में थोड़ा बड़ा करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर हमारे लिए एक हर्डल है, हर्डल क्या है, ये जो प्रीवियस हाई लगा हुआ है ये हमारे पास ये हर्डल है और ये हाई जो है भी 2025-26 के आसपास है। 2030 तक अभी हमारा टारगेट है, अभी 1982 देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, अभी इसके बाद हम 2030 तक के लिए जा सकते हैं, 2025-2030 तक के लिए मंडे के सेशन में। ध्यान रखिएगा 2030 का लेवल यहाँ पर क्रॉस होगा तो हम एक जबरदस्त मूव यहाँ पर देखने वाले हैं कोटक बैंक में। तो कोटक बैंक में नजर बनाकर रखिएगा, कोटक बैंक में अगेन एक बड़ी मूव अभी पेंडिंग है। 2030 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो टारगेट हमारा यहाँ पर 2050 और 2100 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को देखिए यहाँ पर मैंने आपको बाइंग के लिए बताया था 260 रुपये
के ऊपर। और फाइनली यहाँ पर जो बताया था टारगेट मैंने 265 270 का बताया था, यहाँ देखिए 268 रुपये का टारगेट ऑलरेडी हमारे पास अचीव हो चुका है। अब अगेन यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रीवियस हाई यहाँ पर सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है और ये 275 का हाई है। 275 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तब हमको बाइंग के लिए देखना है, अदरवाइज अभी आरबीएल बैंक में बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। हाँ मे बी अगर ये 247 के नीचे निकल कर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो अगेन टारगेट हमारा 240 का होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो चैनल बना हुआ है, चार्ट में बड़ा करूंगा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो चैनल बना हुआ है ब्लैक कलर से मैंने ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और ब्लैक कलर से मैंने नीचे की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। देखिए मोस्टली ये जो चैनल है इसको हम मेगाफोन चार्ट पैटर्न बोलते हैं और मेगाफोन चार्ट पैटर्न में जो मूव होती है वो बहुत जबरदस्त मूव होती है। और फाइनली इस कैंडल ने जब यहाँ पर जो है ब्रेकआउट किया था और सेम डे बैंक निफ्टी ने भी सेम यहाँ पर मूवमेंट करी थी। आज अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी ने भी सेम कैंडल बनाई है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सेम कैंडल बनाई है। कल को भी देखें तो कल भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेम कैंडल बनाई थी और बैंक निफ्टी में सेम कैंडल बनाई थी। और यहाँ की दो कैंडलें मीन्स यहाँ पर चार दिन की जो कैंडलें हैं वो कंटिन्यू बैंक निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से जाकर आप चार्ट देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और बैंक निफ्टी का, आपको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न्स मिलेंगे, बिल्कुल सिमिलर कैंडल यहाँ पर मिलने वाली हैं। सो यहाँ पर भी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली अपना 400 का टारगेट अचीव कर दिया है। हमारा टारगेट यहाँ पर 400 था, हमारे पास भी जो क्वांटिटी थी हमने यहाँ पर बुक कर ली है। अब यहाँ पर देखिए अब इसको बाइंग के लिए थोड़ा सा इसको इग्नोर करिए, बाइंग के लिए अभी मत देखिए 400 के ऊपर, अब इसको एक से दो दिन इसको ट्रेड करने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज अब यहाँ पर जो इसका लो लगा हुआ है वो लो 385 का लगा हुआ है इस कैंडल का, तो 385 के नीचे निकलता है तो ये बहुत बड़ा गैप हमारे पास है प्रॉफिट के लिए। 385 रुपये के नीचे निकलता है तो मे बी यहाँ पर ये अपना गैप जो है ये देखिए जो गैप लगा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आज हम गैप अप ओपन हुए, गैप अप ओपन हम कहाँ पर हुए देखिए, यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है 387 पर हुई, मीन्स यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 से 7-8% यहाँ पर ऊपर हम गैप अप ओपन है। अब यहाँ पर देखिए हम 358-360 तक अगेन आ सकते हैं, 385 रुपये के नीचे अगर हम निकल कर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ पर 360 का होगा। यहाँ पर मैं मंडे के सेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 100% मैं ट्रेड करने वाला हूँ इंट्राडे के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बिल्कुल क्लियर कट चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। 385 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगी उसके नीचे मैं ट्रेड करूंगा और यहाँ मेरा टारगेट 360 का होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलिंग साइड में पैसा कमाने का अच्छा मौका है, बाइंग के लिए 400 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो तब हम बाइंग के लिए पोजीशन भी बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं निफ्टी की एनालिसिस और निफ्टी में जितने भी 50 स्टॉक ट्रेड करते हैं उन सबकी एनालिसिस में आपको अगले आने वाली वीडियो में बनाकर दूंगा। मे बी आज वीडियो में वो आज ये रिकॉर्ड कर दूं या वीडियो वो कल रिकॉर्ड करूं, बट आप लोगों के लिए उसमें मैं सारे स्टॉक्स की मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने वाला हूं, निफ्टी किस तरह से ट्रेड करने वाली है उसके बारे में भी अच्छी तरह से एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।